लाहौर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 15 साल फरीद और 5 साल नायाब जांबहक मरने वालों के वर्सा ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज जान की बाजी हारते हैं। लवाहिकीन सरापा एहतजाज हुए और आला हुक्काम से वाके का नोटिस लेने की अपील की। शेख जैद अस्पताल के इंतजामी अमूर का मामला हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। शेख जैद अस्पताल के इंतजाम विफाक के सुपुर्द, हुकूमत काबीना की मंजूरी के बगैर अस्पताल के इंतजाम सूबे के हवाले नहीं कर सकती। अदालत का हुक्म, साबिका दौरे हुकूमत में विफाक ने शेख जैद अस्पताल पंजाब के सुपुर्द किया था। अस्पतालों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की जिना अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। शरीफ बरादरान की मुश्किलात में इजाफा, सानहा मॉडल टाउन केस, महकमा दाखिला पंजाब ने जीआईटी तश्कील दे दी। आईजी मोटरवेज, ईएडी खाजा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी दाखिला फजील असगर का कहना है कि कमेटी सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात करेगी। मुझे जेल की बैरक से बाहर भी नहीं निकलने देते, मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाई, मुझे ये सिला मिलना था, मुल्क को कहां छोड़ गए थे और अब मईशत का बुरा हाल हो गया है। नवाज शरीफ की पुरशिकवा गुफ्तगु, नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, अंदरूनी कहानी लाहौर न्यूज पर आ गई। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास मुलाकात के बाद वापस चले आए। अयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, जाहिद आमिद, परवेज मलिक, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, सायरा अफजल तारड़ भी जेल पहुंचे। नवाज शरीफ खैरियत से हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। मरियम नवाज का मुलाकात के बाद ट्वीट। नवाज शरीफ को एक दिन दूर से देखा, मुजमहल दिखाई दिए, वो मेरी जेल में ही कैद हैं और मेरी तरह ही परेशान हैं। मंशियात स्मगलिंग केस में मुलविस गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा की अदालत पेशी के बाद गुफ्तगु, मैंने क्रिसमस और न्यू ईयर रो रो कर गुजार दिया, उम्मीद है नया साल मेरे लिए खुशखबरी लाएगा। ट्रीजा, नवाज शरीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट मगर सेहत पहले से खराब थी। मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में करवाई गई। नवाज शरीफ ने शेर व शायरी की, बताया कि वो रात गए तक मुताला करते हैं, मुगलिया दौर की किताबें फराहम करने की भी फरमाइश की। मुलाकात करने वाले लीगी कारकुनों की गुफ्तगु। नवाज शरीफ बड़े इत्मीनान से जेल गुजार रहे हैं। वजीर आला समेत 172 अफराद को ईसीएल में डालना पीटीआई की बड़ी गलती है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगु, हमारे कायदीन के साथ ज्यादती हो रही है। परवेज मलिक का शिकवा, खुरम दस्तगीर बोले, हुक्मरान रऊनत का लहजा इख्तियार ना करें। नवाज शरीफ को आवाम की हक के रहनुमाई की बात करने पर सजा मिली है। पहले की तरह नहीं हो रही, जो पहले इससे पहले हो रही थी ना, वो सफाई नहीं है, कचरा भी नहीं उठाया जा रहा सही तरीके से, कि जो ड्यूटी स्टाफ है वो भी पूरी तरह नहीं आते। नहीं भाई जान, यहाँ पे सफाई हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं हो रही। वो देखे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इधर, मच्छर गंदगी कितनी आम हुई। ये ड्रम देख ले, ये पड़े हुए हैं ना, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, यहाँ पे गुजरना मुश्किल है। सफाई का इंतजाम सारा ही गंदा है, चाहते ही नहीं किन्ने किन्ने दिन। यहाँ इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है, और हर बच्चा, हर लेडीज, हर बुजुर्ग बंदा तंग है। ड्रमों से कूड़ा लटा लेते हैं, नीचे जो पड़ा था वो नहीं उठाते, वो उठाएंगे तो इस बाजार की सफाई होगी। कूड़ा कटकट के पहाड़, गंदगी के ढेर, शहर गुल तब्दीली की नजर, फंड्स खत्म, खजाना खाली, सफाई कंपनी दिवालिया, बाघों का शहर, कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। तुर्क कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, सफाई गाड़ियों ने कूड़ा उठाना छोड़ दिया, जगह जगह गंदगी से ताफुन फैलने लगा, शहरी परेशान। वजीरे बल्दियात के इजलास पर इजलास, वार्निंग, जुर्माने भी काम ना आए। LWMC ने पंजाब हुकूमत से 1 अरब 14 करोड़ रुपए मांग लिए। मुझे रिजल्ट चाहिए, एक गली ऐसी ना रह जाए जिसकी सफाई ना हो, एक शहर में एक भी कहीं पे कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो आए आप उसकी खुद निशानदेही करें, और उसको साथ बंदे को आपका साथ का साथी जेड होगा उसको लान तान भी करें,
कि तेरी वजह से हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं सड़क से गुजरता हूँ तो फिर मुझे ये नहीं पता होता ये किस जेडो की है। शालम सुपर एनक मार्केट मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन की करोड़ों रुपए की नादहिंदा निकली, दुकानदारों को मुतअद्दिद नोटिसेस जारी कर चुके, आज से 427 दुकानों को सर्वमोहर कर दिया जाएगा, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद ने अहकामात जारी कर दिए। महंगाई के सताए आवाम पर एक और महंगाई का बम, मोगरा ने एलपीजी की कीमत में 2 रुपए इजाफा करके नया बम गिरा दिया, सरकारी रेट 115 रुपए किलो हो गया, नोटिफिकेशन जारी, एलपीजी माफिया बेलगाम, दुकानों पर ब्लैक में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी, एलपीजी 200 रुपए किलो होने पर हुकूमती मशीनरी इन एक्शन, मुशीर वजीर आला पंजाब अकरम चौधरी की जेर सदारत इजलास हुआ, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। बहुत मुश्किल है सर, गैस मिलती नहीं है, महंगी बहुत है, सवारी पैसे नहीं देती हमें। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, यही सिस्टम मियाँ साहब का दौर में था, खान साहब कहते थे तब्दीली का नारा खान साहब ने लगाया था, तो हमने भी खान साहब का वोट दिया है, उन्हें सपोर्टर हम, तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। जो एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है, ये ड्राइवरों को कम आवाम पर ये बोझ पड़ेगा, और आवाम जो है पहले जिंदा दरगोह हैं, और मेरी हुकूमत से अपील है कि वो लोगों को रिलीफ। पुलिस इस्लाहात बन गई इम्तिहान, तब्दीली सरकार का पुलिस रिफॉर्म्स पर तीसरा बड़ा यू टर्न, नतायज ना देने पर दूसरी कमेटी भी खत्म, तीसरी कमेटी तश्कील, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी कायम, सेक्रेटरी दाखिला आईजी और जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल भी शामिल होंगे। खाना खाया मगर बिल ना दिया, वकला और यासिर बरोस्त इंतजामिया के दरमियान झगड़ा, दोनों जानिब से तल्ख जुमलों का भी इस्तेमाल किया गया, रेस्टोरेंट मालिकान के मुताबिक कॉल करने पर पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। लाहौर पुलिस में बड़ी तब्दीली, लाखों रुपए मालियत की महंगी गाड़ियों पर रिवायती पुलिस अहलकारों के गश्त पर पाबंदी, पैरो और डॉल्फिन फोर्स की तरबियत लेने वाले अहलकार ही महंगी गाड़ियों पर ड्यूटी देने के अहलकार, एसपी डॉल्फिन फोर्स बिलाल जफर की तरबियत याफ्ता अहलकारों को ही तायुनात करने की यकीन दहानी। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, करेक्टर सर्टिफिकेट का हुसूल मजीद आसान बना दिया गया, अब करेक्टर सर्टिफिकेट डिवीजनल एसपी के दफ्तर में बनाया जाएगा, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने मंजूरी दे दी, बैरून मुल्क जाने के लिए हर शख्स को करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर सिफारत खाने में देना लाजिम होता है। पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाओ, साबुन की मौजूदगी यकीनी बनाओ, महकमा तालीम ने स्कूलों में साबुन की मौजूदगी लाजिम करार दे दी, अदम मौजूदगी पर स्कूल के सफाई नंबर काटे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज और स्कूल सरबराहान को मरासला अरसाल कर दिया गया। मुसव्विर आर्ट गैलरी में लाहौर की तारीखी इमारात पर मबनी पेंटिंग्स की नुमाइश, लाहौर लाहौर है कायनाकात, नुमाइश का मकसद हुक्काम बाला की दम तोड़ती सकाफती विरासत की तरफ तवज्जा मबजूल करवाना है, आर्ट से लगाव रखने वालों ने फिर भरपूर शिरकत की। और भारतीय कबड्डी टीम की नेशनल हॉकी टीम स्टेडियम आमद, सूबाई वजीर खेल राय तैमूर और डीजी स्पोर्ट्स ने इस्तकबाल किया, राय तैमूर कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तरह कबड्डी लीग का इनेकाद भी होगा, रवायती खेलों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है।